Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of Linear Integrated Circuit having a subject code 22423. Today we are going to discuss about Chapter 2, Application of Operational Amplifier in the last lecture we have studied about the closed loop configuration which consists of the three amplifier that is inverting non-inverting and the differential amplifier out of which we have studied in the last lecture about the inverting amplifier before going for the inverting amplifier non-inverting amplifier and the differential amplifier you must have to know about the vision mission and the program educational objectives of our department let's go through the vision of our department the vision of electronics and telecommunication department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering it means our departmental motto is to develop a proficient diploma engineers which consists of the everybody knows about the technological advancement in the field of electronics and telecommunication once they have studied about the electronics engineering they will know about each and every technical advancement in that field this is the vision of our department then what is the mission of electronics and telecommunication department mission of electronics telecommunication department consists of total five mission okay देन वट इज़ द मीनिंग ऑफ मिशन एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ विजन विजन मीन्स आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया है कि इन द फ्यूचर आपको क्या करना है और विजन को फुल फुलफिल करने के लिए जो आप लोग पर्टिकुलरली टास्क करते हो या फिर एक्टिविटीज करते हो दैट इज नथिंग बट योर मिशन सो मिशन क्या है डिपार्टमेंट के सो द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड्स जो भी आप लोग फ्यूचर में कहीं जॉब करने वाले हो कहीं आप लोग बहुत इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आने वाले हो तो इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आने के बाद यू मस्ट हैव टू नो द ईच एंड एवरी क्वालिटी ऑफ योर डिपार्टमेंट सो दैट आप लोग जो भी काम करोगे वो उनके डेवलपमेंट के लिए काम आए देन प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट वेन योर आर गोइंग फॉर द इंडस्ट्री वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को सीखने को मिलेगी ठीक है तो वहां पे जाने के पहले जो भी इंडस्ट्री के एथिक्स होते हैं जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका आउटकम क्या है ये हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं देन इंकल्केटिंग क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू इनोवेशन एंड को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अमोंग स्टूडेंट हम लोग थ्रू द डिपार्टमेंट बच्चों में बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसके साथ साथ उनके क्रिएटिव थिंकिंग को भी बाहर लाने की कोशिश करते हैं इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड employability और द हायर एजुकेशन बच्चों को हम लोग इन्हांस करते हैं कि उन उनमें लीडरशिप स्किल एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए और जब और उसके साथ साथ दे कैन बी एबल टू गो फॉर द हायर एजुकेशन देन सीकिंग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल उसके साथ साथ हम बच्चों का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मतलब नॉलेज और उनके स्किल बढ़ाने में भी उनकी मदद करती है तो दिस ऑल अबाउट द मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देन विल गो फॉर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सो दीज आर ऑल प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ठीक है अभी प्रोग्राम एजुकेशन मतलब क्या है सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रोग्राम प्रोग्राम इट इज़ नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उसके बाद में व्हाट आर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट सबसे पहले कि व्हेनेवर एवर यू आर गोइंग फॉर द हायर एजुकेशन और एनी डिप्लोमा कोर्सेज रिगार्डिंग टेक्निकल स्किल तो सबसे पहले बच्चों में जॉब ओरिएंटेड स्किल होना चाहिए उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आर ऑलवेज सोशली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए उसको ही प्रोवाइड करने की कोशिश डिपार्टमेंट के थ्रू होती है दैट्स व प्रोवाइड जॉब ओरिएंटेड स्किल से सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड एन्वायरमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अमॉन्ग्स द स्टूडेंट रिलेटेड टू ब्रॉड बेस्ड प्रॉब्लम्स एडेप्टिंग प्रोफेशनल इथिक्स जितने भी प्रोफेशनल इथिक्स बच्चों में होने चाहिए उसको प्रोवाइड करने के साथ कब जब बच्चे जब भी डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप लोग जब कोई भी जॉब के लिए जा रहे हो एट दैट कंडीशन यू मस्ट हैव टू नो द वॉट आर द स्किल्स यू रिक्वायर्ड वाई डूइंग द जॉब और वाई वेन योइंग आउटसाइड फ्रॉम द डिप्लोमा तब आप लोगों में ये सब चीज़ें होनी चाहिए यही हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते देन एडाप्ट द स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बेस्ड टेक्नोलॉजीज टू वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क आपके यहाँ से जाने वाला स्टूडेंट या फिर डिपार्टमेंट से बाहर पढ़ने वाला स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एन एवर आउटसाइड फ्रॉम द डिपार्टमेंट he must have to know what are the state of adopt adopt the state of the art means आप लोग पूरे जितनी भी technological advancement हो या फिर technical ethics हो या फिर professional ethics हो बच्चों में ये सब उनमें adapt करने की एक ability होनी चाहिए adapt the उसके साथ साथ ये जैसे इन, इन्होंने एडप्ट कर ली सारी की सारी चीजें देन दैट स्टूडेंट विल वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेट मतलब वो कोई भी टाइप का वर्क करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए इसके साथ साथ इफ़ ही वांट्स टू गो इफ ही और शी वांट्स टू गो फॉर द हायर एजुकेशन विल अल्सो मोटिवेट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट टू गो फॉर द हायर एजुकेशन एंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज वेल एज अ स्टेट प्रोवाइड सोल्यूशन्स टू ब्रॉडबेस्ड प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली एंड एज अ टीम मेंबर बाय कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इन द वर्ल्ड ऑफ वन मतलब कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन अ बच्चे उसको टीम मेंबर के साथ मतलब अगर कोई टीम में वर्क कर रहा है तो टीम मेंबर को तो भी लेके चले उसके साथ साथ इंडिविजुअली भी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखे जब भी वो कहीं पे भी वर्क करे मतलब वर्क कंडीशन में आप लोगों को बहुत सारे एनवायरनमेंट जो रहेगा वहाँ पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो यू मस्ट हैव नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली एज वेल एज इन अ टीम मेंबर टू प्रोवाइड द पर्टिकुलर टास्क वेरी इफेक्टिवली तो दिस ऑल आर अबाउट द विजन मिशन एंड द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डिपार्टमेंट देन वॉट इज द कोर्स आउटकम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वी आर गोइंग फॉर द यूनिट नंबर टू दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर अप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं तो एप्लीकेशन्स में आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन आप पढ़ने वाले हो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉन्फिग्रेशन वन इज द ओपन लुक कॉन्फिग्रेशन एंड द सेकेंड वन इज द क्लोज लुक कॉन्फिग्रेशन Open loop configuration consists of two types of uh, amplifier. One is the inverting amplifier, and the second one is the non inverting amplifier. While the closed loop configuration consists of the three types of amplifier one is the inverting amplifier, the second one is the non inverting amplifier, and the third one is the differential amplifier. Before in the last lecture we have studied about the inverting amplifier which is nothing but the type of your closed loop configuration and for today's lecture we will go for the non-inverting amplifier and for that topic course outcomes are nothing but use various configuration of op -amp for different applications. जैसे मैंने आप लोगों को बताया डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन को यूज करके गो फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट इज नथिंग बट यूर ऑपम विच इज ऑल्सो नोन एज द आईसी सेवन फोर वन देन ऐसे कॉन्फिग्रेशन को यूज करके आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन को परफॉर्म करना है एंड दिस इज अवर कोर्स आउटकम कोर्स आउटकम मतलब जैसे कि यूनिट इट इज नथिंग बट योर कोर्स और उसका आउटकम क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉन्फिग्रेशन आप पढ़ोगे उतने नंबर ऑफ कॉन्फिग्रेशन को यूज करके यू विल डिजाइन और डेवलप अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ दैट ऑपरेशनल देन वट इज दी ओ एंड पीओ मैपिंग वी वी विल हैव डिस्कस दिस टेबल ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर बट आई विल टेल यू बेसिक थिंग्स ऑफ दिस टेबल द सी ओ टू विच इज नथिंग बट योर Use various configuration of op and there are total seven number of POs. What, what number of POs and uh, what is the meaning of that PO1 to PO7? We have discussed in the last lecture here CO2 getting mapped with the PO1, 2, 3, 4, 6, and 7 with at a highest level and a medium level. So, this is a CO and PO mapping chart. Then, after the completion of this. दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू इट मीन यूल टू शो द लर्निंग आउटकम्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल यूल टू एक्सप्लेन विद स्के वर्किंग ऑफ द गिवन टाइप्स ऑफ मोडन टाइप्स ऑफ मोड्स मीन दो या तीन कॉन्फिग्रेशन को यूज करके यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन उसके डायग्राम्स को निकाल के आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हो देन कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द गिवन एरिथमेटिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ऑफ एम उसके बाद में वी विल बी एबल टू आउटपुट वोल्टेज निकाल मतलब कोई भी अगर डेरिवेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहला मोटो अपना क्या रहेगा कि यू मस्ट है आउटपुट वोल्टेज ऑफ दट पर्टिकुलर डायग्राम और ऑफ दट पर्टिकुलर सर्किट कि आप लोगों को उसका आउटपुट वोल्टेज निकालना है उसको डेरिवेशन के फॉर्म में भी अगर आप सोल्व कर रहे हो तो यू विल बी गो फॉर द आउटपुट वोल्टेज ओनली वेरी फर्स्ट मोटो रहेगा कि आप लोगों को उसका आउटपुट वोल्टेज निकालना है देन सिलेक्ट द रिलीवेंट ओपेम कॉन्फिग्रेशन फॉर द गिवन एप्लीकेशन विथ जस्टिफिकेशन उसके बाद में वी विल ऑलवेज ट्राई व्हाट काइंड ऑफ कन्फिग्रेशन आई हैव टू यूज फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इसके लिए मुझे एक कौन सा ओपैम का कॉन्फिग्रेशन सिलेक्ट करना है आई विल चूज दैट पर्टिकुलर ओपैम कन्फिग्रेशन टू डू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और टू परफॉर्म द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दैट एप्लीकेशन उसके बाद में कैलकुलेट द गिवन पैरामीटर फॉर द स्पेसिफाइड ऑप एम कॉन्फिग्रेशन उसके बाद में विच काइंड ऑफ पैरामीटर्स आई वॉन्ट वी आई विल यूज और कैलकुलेट फॉर दैट स्पेसिफाइड ऑफ एम कॉन्फिगुरेशन ऑप एम कॉन्फिगुरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया है और आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए देर आर टू टाइप ऑफ कॉन्फिगुरेशन वन इज द ओपन लुक कॉन्फिगुरेशन एंड द सेकेंड वन इज द क्लोज लूप कॉन्फिगुरेशन ओपन लुप कॉन्फिगुरेशन जो कि फीडबैक एलिमेंट कंसिस्ट नहीं करता है दैट इज द ओपन लूप कॉन्फिगुरेशन एंड द क्लोज लूप कॉन्फिगुरेशन जिसमें आप लोगों को फीडबैक एलिमेंट मिलेगा जो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हो तो दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग आउटकम एंड द कोर्स आउटकम हेलो सो डियर स्टूडेंट इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट इंटीग्रेटर एंड इन दिस लेक्चर स्टडी हेर विल स्टडी अबाउट डिफरेंशिएटर राइट इंटीग्रेटर क्या होता है एंड हाउ इट वज फॉर दम एप्लीकेशन वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर एंड वेन एवर वो यूजिंग द इंटीग्रेटर दर इज़ ऑल्सो फीडबैक एलिमेंट विच इज़ नथिंग बट यूर कैपेसिटर राइट फीडबैक एलिमेंट में किसको यूज़ करते हैं कैपेसिटर इंस्टेड ऑफ कैपेसिटर इन द डिफरेंशिएटर वी वी यूज इन क्या यूज करेंगे रजिस्टर राइट बिफोर गोइंग फॉर द डिफरेंशिएटर यू मस्ट हैट इज डिफरेंशियेटर डिफरेंशिएटर एक ऐसा सर्किट है विच प्रोड्यूसेस द डिफरेंशिएशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज क्या होता है विच प्रोड्यूसेस द डिफरेंशिएशन बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट वोल्टेज विच इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएटर यूजली देर आर टू टाइप्स ऑफ differentiator one is the passive differentiator and one is the active differentiator Joe circuit which doesn't use any active device it, it is called as a passive differentiator while the differentiator using an active device like the op amp it is called as a active differentiator since this circuit it is nothing but here, which is called मैंने जैसे आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ऐसा सर्किट जो एक्टिव डिवाइसेस लाइक ऑप-एम्प यूज करता है उसको अपन क्या बोलेंगे एक्टिव डिफरेंशिएटर तो ये जो सर्किट है इट्स ये क्या यूज कर रहा है ये यूज कर रहा है ऑप-एम्प सो so इसको बोलेंगे अपन क्या एक्टिव डिफरेंशिएटर सो देयर स्टार्ट्स विद द एक्टिव डिफरेंशिएटर हियर फिगर शोज एक्टिव ऑपेम डिफ्रेंशिएटर फिगर शोज एक्टिव ओपेम डिफ्रेंशिएटर एंड दिस एक्टिव डिफ्रेंशिएटर सर्किट कैन बी ऑप्टेन बाई एक्सचेंजिंग द पोजिशन ऑफ आर एंड सी इन द बेसिक इंटीग्रेटर सर्किट बराबर है क्योंकि बेसिक इंटीग्रेटर सर्किट में फीडबैक एलिमेंट के जगह पे अपन ने क्या यूज किया था कैपेसिटर और यहाँ पे कैपेसिटर के जगह पे अपन ने यूज किया था क्या

कॉन्फिग्रेशन सो हियर वी यूज द फीडबैक एलिमेंट ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना देन आप लोगों ने यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्प्लीफायर होने के कारण जो इनपुट है वो किसको दिया इन्वर्टिंग टर्मिनल को बराबर है इन्वर्टिंग टर्मिनल को देने के बाद द करंट आई फ्लोज थ्रू द सी टूवर्ड्स द आर्य फ्लोज टूअर्स दी दैट इज द कैपेसिटर टूवर्ड्स द आर्य हिन्स द नोड बी इट इज नथिंग बट द ग्राउंड देखो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से जो नोड आया है दैट इज नोड बी इट इज नथिंग बट द ग्राउंड एंड हेज एज द नोड बी इज ग्राउंड योर नोड ए इज ऑल्सो ग्राउंडेड एज पर द कंसेप्ट ऑफ क्या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट बराबर है एज पर द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट सो हियर हिज व्ही बी इज इक्वस टू व्ही इज इक्वस टू जीरो वस टू वी ए इज इक्व टू जीरो सॉरी इनपुट करंट ऑफ ऑपैम इज झीरो एज द इनपुट करंट ऑफ ऑपैम इज झीरो क्योंकि इधर अगर टर्म आई तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड है तो ये क्या हो गया है जीरो सो द इनपुट करंट ऑफ ऑप एम इज झीरोज द करंट फ्लोज थ्रू द आर एम हे इज द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टेंस आरियर सो फ्रॉम द इनपुट साइड फ्रॉम इनपुट साइड फ्रॉम इनपुट साइड हियर i1 is equals to, इधर से देखते कैपेसिटर है इसलिए आप लोगों को यहां पे C1 वन डी डी टी ऑफ वी इन माइनस वी ए इन माइनस वी ए बराबर है जीरोक्वस टू सी वन डी टी ऑफ वी इन दिस इज इक्वेशन नंबर वन देन आउटपुट साइड से देखते फ्रॉम आउटपुट साइड फ्रॉम आउटपुट साइड क्या आएगा आई वन इज इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू वी ए माइनस वी ओ अपॉन आर एफ वी ए माइनस वी ओ अपॉन आर एफ अगेन पुट वी ए इज इक्वस टू जीरो क्या पुट करेंगे वी ए इज इक्वल टू जीरो Hence we get I1 is equal to minus U upon R. Minus U upon R F. This is nothing but an equation two. Is that clear to everyone? Now equating, equating equation one and two. Now equating equation 1 and 2 hence we get c1 c1 d dt of vin is equal to minus v upon rf is that clear to you now we have to calculate the equation for the output

लेफ्ट हैंड साइड और अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाती हूं तो इट विल गेट द माइनस सी वन इन टू आर एफ डी डी टी ऑफ वी आर एन दिस इज अल आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन फॉर किसके लिए डिफरेंशिएटर नाउ आप सभी को पता है कि अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालने जा रही हूँ इन बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट हियर द दी वन एंड दर एफ आर एफ इन सी वन आर नथिंग बट द टाइम कॉन्स्टेंट क्या है आर नथिंग बट द टाइम कॉन्स्टेंट एंड हियर देर इज अ फेज शिफ्ट बिटवीन द वन एटी डिग्री द इनपुट एंड द आउटपुट वोल्टेज हिज इट इज नोन एज द इनवर्टिंग डिफरेंशियटर इज द क्लियर टू एवरीवन सो इट इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएटर क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि राइट डाउन द एक्सप्रेशन और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्टिव ऑफ एम डिफरेंशिएटर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम देन अबाउट डिफरेंशिएटर यू हैव टू राइट डाउन दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएटर वन इज द पैसिव एंड द एक्टिव वॉट इज पैसिव एंड वट इज एक्टिव आई ऑलरेडी टोल्ड यू देन वाई दिस कॉल्ड इज द एक्टिव ऑप एम डिफरेंशिएटर ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए देन बिफोर गोइंग फॉर द डेरीवेशन यू मस्ट हैव टू नो द अबाउट द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ देन इनपुट साइज एंड आउटपुट साइज को कम्पेयर करना है एंड राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एक्टिव ऑप एम डिफरेंशिएटर सो आई होप एवर अंडरस्टैंड हाउ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंशिएटर थैंक यू फॉर लिसनिंग थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर वेरी केयरफुली थैंक यू थैंक यू सो मच